सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये वीडियो है आपका, मतलब जो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वांट एप्टीट्यूड की जो क्लासेस चल रही थी, तो आज की ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अलाउंड फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच द मनी लेंड इज यूज। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है आपका P यानी कि प्रिंसिपल, आर यानी रेट पर, और आपका जो टाइम हो गया वो सब। ठीक है, ये थ्री जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं किसी इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अभी इसके लिए जो फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बात की जाए, इसको हम कहेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट। इसको जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका P R and T। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है और अपॉन इसका हो जाता है 100। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका P है वो किसको आइडेंटिफाई मॉडिफाई करता है, देखिए जो आपका P होता है वो आपका होता है अमाउंट, मतलब एक्चुअल अमाउंट जो है वो। ठीक है, P अमाउंट, या आप इसको कह सकते हैं, मतलब P फॉर होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल या फिर मतलब एक्चुअली जो अमाउंट है, इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट होगा वो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, और R होता है आपका रेट, मतलब कितनी परसेंट रेट पर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर कुछ वर्क हो रहा है जो भी। एंड टी फोर होता है टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका P होगा, R होगा, T होगा। ठीक है, P हो गया आपका रेट इंटरेस्ट। ठीक है, अभी इंटरेस्ट होता है रुपीज़ वन के लिए 100, या फिर इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ P के लिए अलग होगा। ठीक है, अलग अलग टाइम होंगे, तो अभी हम इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपल मैं अपने मन से ले, जैसे आपके पास P है 500। ठीक है, और R या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%, एंड जो ड्यूरिंग ऑफ टाइम है, मतलब कितने टाइम के लिए, लगभग 3 ईयर्स मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, सो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है SI। तो P R and T आप यहाँ पे मॉडिफाई कर दें। ठीक है, तो देखिए PRT आप क्या रखें, PRT जो हमारी वैल्यू हो रखती थी, देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 × 3 और अपॉन में आपका आ जाएगा 100। चलिए सिंपल कर देती, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 रुपीज़। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 3 ईयर्स पर 75, तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 500 पर 75 इज़ इक्वल टू 575 रुपीज़। ओके, अभी सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, मतलब उसी एक फॉर्मूले को लेकर के कई फॉर्मूले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, ताकि जो हम कोई भी इक्वेशन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले ये आ जाए कि हाँ अच्छा, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आपको बता दिया, PRT अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। अभी सेकंड जो बनता है, अगर आपको P फाउंड करना है, तो P इक्वल क्या बनेगा आपका, SI × 100 अपॉन RT। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बोला जाता है कि SI तो सिंपल है, रेट अगर आता निकालने R, तो R के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा, R के लिए आपका होना चाहिए SI × 100। ठीक है, अपॉन आपका P × T हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपसे एक फाइंड करने बोला था, टाइम फाइंड कीजिए, बाकी आपको SI दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स दिया हुआ है और रेट दी हुई है। ठीक है, तो आप इससे T निकाल सकते हैं, T फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको इसे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि अमाउंट। ठीक है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, A इक्वल P प्लस I। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्चुअली जो अमाउंट हमें निकालने में आता है क्वेश्चन, उस हिसाब से। अब अमाउंट के लिए करके भी फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, देखिए इक्वल हम लिख सकते हैं P प्लस PRT अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको और लिख सकते हैं कैसे, अभी अमाउंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपसे कहा जाए इसमें P फाइंड कर दी, तो आपका बन जाएगा A × 100 अपॉन 100 प्लस रेट × टाइम। टाइम, ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी अब इसमें एक चीज़ और देखी जाए, कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में। इसके बाद आपके पास प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि पी भी दिया हुआ है, और आपसे कहा जाएगा कि अमाउंट को आप फाइंड कीजिए। सो इसके लिए क्या करना है आपको, जो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला था पी प्लस आई, ठीक है, इसमें आपको जो चीज़ दी हुई है उसको रखना है, बाकी को हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र। तो हमें अमाउंट अमाउंट फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर आई फाउंड करने अगर आता है, ये तो वो बन गया, ठीक है, सॉरी मतलब अमाउंट नहीं, अगर आपको कभी आता है कि आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आप आई फाइंड, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। देखो आप क्या करेंगे, आप सीधा कर देंगे ए माइनस पी इक्वल टू आई, ठीक है, इस तरह से होगा। इसलिए पी पी के लिए भी यही होगा, ए माइनस आई, ठीक है, मतलब ए अमाउंट दिया होगा और सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको पी फाइंड करना होगा। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अब हमें आप इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए ये रहा क्वेश्चन, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ 6% पर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर 3 ईयर्स, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड, इंटरेस्ट सिंपल में बातें की हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें आई पता नहीं है, पी का बात किया जाए, मतलब इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, तो जो ऑन रुपीज़ दिया रहता है वो क्या हो गया यहाँ पर हमारा 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, मैं एनुअल रेट में, ठीक है। और आर की बात की जाए तो 6% इन्होंने दिया हुआ है, एंड यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना दे दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ फॉर्मूला ही रखना है इधर और आपका आंसर आ सकता है। तो कैसे देखिए हम यहाँ पर करते हैं एस आई का फॉर्मूला, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, ओके। तो चलिए यहीं पे हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 10,000, 6% टाइम हो गया 3, ओके, और यहाँ पे आपका 100 चल ही रहा है, 1, 2, 1, 2, ठीक है। तो 6, 3 जा कितना हो गया 18, तो आपके लिए जो अमाउंट आ गया हो गया 1800, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका हो गया 1800, ओके। चलिए अब क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 एट 5% फॉर 4 ईयर्स, ओके। तो देखिए सिंपल यहाँ पर आपको क्या है मॉडिफाई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट करना रुपीज़, तो पी 800, आर 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 4%, ठीक है, सॉरी 4 ईयर्स, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके यहीं पे निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी, ठीक है, अपॉन 100। सो यहाँ पर आप लिखिए 800 और 5 × 4 अपॉन 400, ये 4 0 से 0 मैंने ये कैंसिल कर दिया, 5 4 20, 20 8 जा कितना हो गया 16, आपका आंसर आ गया 160 रुपीज, ओके। सो सिंपल से क्वेश्चन, अगर सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा हटके क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है कि अब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट मतलब आपने जितने रुपए में, मतलब आपके पास रुपीज़ हैं 1200, तो आपने 1200 रुपी किसी पर्सन को 5/1/2% की रेट से 5 ईयर्स के लिए दिया है, तो आपका एक्चुअली अमाउंट क्या होगा आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। सो देखिए अमाउंट के लिए तो हमने लिखा था फॉर्मूला पी प्लस आई, ठीक है। अब पी प्लस आई में सबसे पहले तो हमें आई मॉडिफाई करना है, तो आई के लिए क्या आप निकालते हैं फॉर्मूला, आप पहले तो वो कीजिए पी आर टी और अपॉन में 100 करते हैं हम, तो यहीं पे हम कर लेते हैं। तो पी हमारा 1200, आर आपका है 5/1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10 = 11, तो 2 को हम कहाँ पर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है, एंड 5 ईयर्स है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से लिखा, अब इसको हम जल्दी से कर लेते। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से ये 0, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ठीक है, 2 × 6 = 12 हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 × 11, ठीक है, तो आपका आ गया 330, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, सिंपल इंटरेस्ट।
अभी अमाउंट करना है फाइंड, तो अमाउंट के लिए हमने फॉर्म बताया था पी प्लस आई, तो पी हमारा कितना 1200 और आई हमने निकाल लिया 330 रुपीज़। सो एक्चुअल आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो आपको मिलेगा 0351, ठीक है। तो 1530 रुपीज़ मिलेगा आपको 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये हो गए अमाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।